दिस वीडियो इज पावर्ड बाय SYS टेक्नोलॉजी भोपाल, जहां पर आपको लेटेस्ट वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज देखने मिल जाते हैं। यहां से आप परचेज कर सकते हो नए और पुराने लैपटॉप्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे। वहीं पर काफी ज्यादा अच्छे प्राइसेस पे आपको देखने मिल जाते हैं कंप्यूटर पार्ट्स, जिससे आप बना सकते हो अपना मनपसंद कस्टम PC अपने मनपसंद कंप्यूटर पार्ट्स के साथ में। यहां पर आपको एक्सेसरीज की भी थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी देखने मिल जाती है। तो किस बात का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से अभी जाकर बुक करो अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स SYS इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल। तो आज के इस वाले वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे फ्रंटेक की तरफ से आने वाला मल्टीमीडिया स्पीकर 3955, जो कि एक काफ़ी बढ़िया 2.1 होम थिएटर आपको देखने मिल जाता है। इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ये जो है ब्लूटूथ कंपैटिबल है, इसमें आपको USB कार्ड कंपैटिबिलिटी देखने मिल जाती है, बिल्ट इन FM रेडियो और 2.1 के इसके चैनल्स हैं, यानी एक वूफर और दो सब वूफर आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इसको, एंड यहाँ पर जो है फटाफट से इसकी सील को ब्रेक कर लेते हैं। काफ़ी रिजिड सील नहीं है, सिंपल सी यहाँ पर टेपिंग आपको देखने मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको आराम से काट सकते हो, एंड ये जो है कम्प्लीटली अनबॉक्स फाइनली हो चुका है। तो इसको अनबॉक्स जैसे ही आप करोगे, ऊपर आपको कुछ सब वूफर्स रखे हुए दिख जाएंगे, एंड साथ साथ में रिमोट वगैरह है। तो इसको जो है साइड कर लेते हैं, एंड अब निकालते हैं अपना मेन वूफर। एंड मेन वूफर मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ काफ़ी भारी होगा, क्योंकि ये भी जो है थोड़ा सा अच्छा वाला वूफर है, जिसके अंदर आपको बेस बूस्ट देखने मिलता है। तो इसको जो है बाहर निकाल लेते हैं, एंड अब जो है मैं फटाफट से इसकी सील को ब्रेक कर लेता हूँ, एंड इसको निकाल लेता हूँ बाहर। तो निकाल लेते हैं भाई जल्दी फटाफट से, मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट लग रहा है देखने में। ओके, सो ये कम्प्लीटली अनबॉक्स हो चुका है। अगर मैं बात करूँ रिमोट की, तो रिमोट की भी डिज़ाइन आपको ठीक ठाक ही देखने मिलती है, जैसा कि हमें SW वाले पिछले स्पीकर में देखने मिली थी। उसके अलावा वायर की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, एंड ये जो है आपको एक ऑक्स इनपुट देखने मिल जाता है, जिसको आप अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड एक जो है नॉर्मल सा वारंटी कार्ड। तो यहाँ पर जो सब वूफर की बात करते हैं, एंड सब वूफर कम्प्लीटली सेम है, जैसा 4.1 चैनल में हमने देखा था, तो वैसे ही कुछ सब वूफर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। कुछ भी चेंजेस नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। मेरे हिसाब से शायद उसमें 4.1 दिया है एंड इसमें 2.1 दिया है, दैट्स द डिफरेंस। बाकी ये जो है कम्प्लीटली सेम सब वूफर है विथ सेम दिस वाली केबल। तो इसको जो है आप पीछे कनेक्ट कर सकते हो उस वाले मेन वूफर में। कैसे करना है आगे आपको बताता हूँ। बाकी अगर बात की जाए इस वाले रिमोट की, तो यार रिमोट का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, कुछ भी ऐसा खतरनाक सा देखने नहीं लगता, काफ़ी ठीक ठाक सा डिज़ाइन एक तरह से मैं कहूँगा इस प्राइस पॉइंट पे। ओके, सो यहाँ पर जो है अब बात करते हैं हमारे मेन वूफर की। नीचे जो है वूफर आउटपुट देखने मिल जाता है बेस बूस्ट के साथ में, एंड ऊपर जो है कुछ बटन्स हैं, एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली ट्रेबल बूस्ट देखने मिलता है। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक LED है, आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये जो है आपका बेस का बटन है, ट्रेबल का बटन है, आपको एक्स्ट्रा देखने मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो है आपको USB कनेक्टिविटी भी देखने मिल जाती है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चार सेक्शंस देखने मिलेंगे, दो सेक्शंस में आप कनेक्ट कर सकते हो अपने सब वूफर्स को, एंड दो सेक्शन में आप अपना ऑडियो इनपुट कनेक्ट कर सकते हो वो वाली केबल के थ्रू। ये जो FM एंटीना है भाई, ये कोई काम का नहीं होता, बट स्टिल काफ़ी बढ़िया बात है। ये है इसकी केबल, एंड केबल की क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक वायर की, तो इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा। आगे मैं आपको इसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ, मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो दैट्स द होल फर्स्ट लुक ऑफ दिस स्पीकर, जहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। अभी तो मैंने लाइट्स ऑन नहीं करी हैं, एक बार मैं इसकी लाइट्स भी ऑन करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक इसके डिज़ाइन और डिज़ाइन पोर्शन की, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। ओवरऑल मुझे डिज़ाइन में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड कहीं पर भी मुझे फ्लॉज देखने नहीं मिल रहे। ये जो है मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं, एंड उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर LED है, एंड बीच में आपको एडिशनल लाइट देखने मिल जाती है, जो कि इसके लुक में चार चांद लगा देते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन पूरी तरह से आपको देखने मिल जाता है ग्लॉस बैकग्राउंड के साथ में। अब इसको जो पेयर करने के लिए आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके फ्रंटेक पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको नॉर्मली इसको पेयर कर लेना है अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से। तो जैसे ही आप पेयर करोगे, इसमें गाने जो है आप सुन सकते हो। है, बनी क्यों है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये
सो दैट्स इट वॉज दिस वीडियो, जहाँ पर अगर आप चाहते हो मैं इसका एक डेडिकेटेड फुल रिव्यू बनाऊँ तो मुझे बताना ज़रूर इन दी कॉमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।